अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, आप देख रहे हैं टीवी टाइप। मैं हूँ अब्दुशकूर। आज मैं आपको जो प्रोग्राम चलते हैं पाकिस्तानी मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल पर आप देखते हैं, पॉलिटिकल कॉमेडी प्रोग्राम जो होते हैं उनमें ये शामिल है, खबरनाक, खबरदार, हस्बे हाल, मजाकरात और दूसरे मुख्तलिफ चैनल्स पे भी ये प्रोग्राम चलते हैं। खबरनाक जो है वो जियो टीवी पर नशर किया जाता है, खबरदार जो है वो दोबारा आफ्ताब इकबाल साहब अपनी टीम के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ पे आ चुके हैं, दुनिया न्यूज़ पे हस्बे हाल और मुज़ाकरात ये प्रोग्राम, पॉलिटिकल कॉमेडी प्रोग्राम जो हैं वो चल रहे हैं। ये प्रोग्राम जो हैं वो शुरू किए थे आफ्ताब इकबाल साहब ने। हस्बे हाल जो है वो सबसे पहले दुनिया न्यूज़ पर आफ्ताब इकबाल साहब ने ही शुरू किया था और उस वक्त वो थे होस्ट प्रोग्राम के आफ्ताब इकबाल साहब, उनके साथ को होस्ट थी नाजिया बेग और अजीज़ी जो हैं वो उसका करेक्टर सुहेल अहमद साहब शुरू से करते आ रहे हैं, अब भी वही कर रहे हैं। हस्बे हाल में फिर वो चेंजिंग ये आई कि आफ्ताब इकबाल साहब ने हस्बे हाल छोड़ दिया और उनकी जगह पर जुनेद सलीम साहब जो हैं वो प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं और सुहेल अहमद साहब अभी भी मौजूद है, अजीज़ी का करेक्टर वो प्ले करते हैं। नाजिया बेग जो हैं वो भी प्रोग्राम को छोड़ गई और उनकी जगह जो है वो आजकल हैं जिया दिल नवाज़, उनके साथ जो हैं वो कॉमेडी के तौर पर अमानत चंद साहब हैं, अब नवाज़ अंजुम साहब हैं, गोगा जी और जुल्फी, ये उन्होंने अपनी टीम जो है उसमें इजाफ़ा किया है। खबरनाक जो है वो फिर आफ्ताब इकबाल साहब ने जियो न्यूज़ पे शुरू किया, उसमें तब्दीली ये कि उसमें ऑडियंस भी वहाँ मौजूद होती थी अपने उनकी टीम के साथ साथ, टीम में उनके जितने भी स्टेज के जो फनकार थे वो वहाँ पार्टिसिपेट करते रहे, कुछ आते रहे कुछ जाते रहे, को होस्ट भी उनकी तब्दील होती रही। अली मीर साहब जो हैं वो जो मिमिक्री करते थे वहाँ पे, वो अभी भी खबरनाक शो पे मौजूद हैं। वो उन्होंने एक दरियाफ्त किया एक टैलेंट पाकिस्तान का, जिन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सियासतदान, तमाम जो फनकार हैं इंडियन भी पाकिस्तानी भी, उनकी मिमिक्री उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो परफॉर्म किया। खबरनाक शो जियो न्यूज़ पर काफ़ी अरसा प्ले होता रहा आफ्ताब इकबाल साहब, वो अभी भी वहाँ पे जियो न्यूज़ पे वो प्रोग्राम ऑनियर होता है, वो खबरनाक में भी होस्ट चेंज होते रहे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब उसके बाद जो है जियो न्यूज़ छोड़कर वो एक्सप्रेस न्यूज़ पे चले गए थे, वहाँ उन्होंने खबरदार के नाम से प्रोग्राम शुरू किया था, फिर वो एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी प्रोग्राम उन्होंने बंद कर दिया, फिर वो आप न्यूज़ में चले गए, वहाँ पे खबर जार, फिर न्यू न्यूज़ पे खबर यार, अब दोबारा वो एक्सप्रेस न्यूज़ पे आ चुके हैं, वो खबरदार के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खबरदार में, खबरनाक में और जो दूसरा मजाकरात जो प्रोग्राम है उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऑडियंस मौजूद होती है, जो फनकार होते हैं, होस्ट होते हैं, को होस्ट होते हैं, उनके साथ साथ वहाँ पे कुछ लोग शायकीन भी होते हैं, ऑडियंस होती हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि वहाँ हम किस तरह वहाँ पे हम जाके वो प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं, बतौर ऑडियंस जो हम उस प्रोग्राम में कैसे शिरकत कर सकते हैं। तो जो आफ्ताब इकबाल साहब का प्रोग्राम है खबरदार, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, इस पर जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं प्रोग्राम ऑडियंस के तौर पर वहाँ शिरकत करना चाहते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, अगर आप इस पर मैसेज करें तो सिर्फ मैसेज अलाउड है, कॉल वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी इंतज़ामिया वो आपको तरीक़ाकार बता देंगी कि अगर आपने खबरदार शो जो एक्सप्रेस न्यूज़ पर आजकल जो चल रहा है उसमें आप अगर शिरकत करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करें, मैसेज जब आप करेंगे तो वो आपसे रابطہ कर लेंगे कि किस तरीके से आपने वहाँ प्रोग्राम में शिरकत करनी है। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टीवी टाइप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको मिल सके। जो खबरदार पर अगर आप जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए नंबर है 03009421218 जी 03094921218, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ 03009421218।
21218। इस नंबर पर अगर आप मैसेज करें, अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, खबरदार की टीम को आप मैसेज करें, वो आपसे रब्ता कर लेंगी। वहाँ जाकर आप अगर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।